Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from Miles Made Easy and this is going to be one of the most interesting videos on our channel because इस video में मैं आपको कुछ ऐसी vocabulary आपके साथ share करने वाली हूँ जिससे आपका IELTS score definitely boost होगा, be it writing और speaking module. Apart from this, यही same words हो सकता है कि आपके reading में भी use हो रहे हो, तो आपको तब भी help मिलेगी in order to understand these words carefully. Now, what exactly do we need to do here? So, मैं one by one आपके साथ 10 words share करने वाली हूँ और एक bonus word share करूँगी. इनके basic words बताने वाली हूँ और advanced words भी बताने वाली हूँ. So, let's get started with the first word. And the first word here is happy. So, most of the times हम लोग ये word use करते हैं happy, है ना? But happy नहीं use करना क्योंकि IELTS का exam देना है. It is the foreign language, है ना, proficiency exam. So, हमने क्या करना है? Instead of happy, we are going to use the word exhilarated. 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 Okay? Second word here is satisfied. So, if you want to say, I am totally satisfied with the solution you have provided me, rather than saying that, you say, I am totally contented with the solution you have provided me. Content, C-O-N-T-E-N-T, content, E-D up end mein laga lo. Theek hai? Next is critical problem. बहुत बार होता है ना, हमें लिखना होता है critical problem है ये, है ना, या critical issue है. तो instead of writing critical problem or critical issue, what are we going to write? We'll write pressing problem. It is a pressing problem or it is a pressing issue. Pressing वही वाला. P-R-E-S-S, press, I-N-G, ing. Okay? नेक्स्ट पे आते हैं चेंज. देखो, जब भी आप कुछ लिखना चाहो एज अ वर्ब, यू वांट टू यूज चेंज, तो रादर देन यूजिंग चेंज, यू कैन यूज ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई. आप किसी चीज को चेंज करना चाह रहे हो, नहीं, आई वांट यू टू ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो. नेक्स्ट इज वेरी लार्ज. व्हेन एवर यू वांट टू से वेरी लार्ज, रादर देन सेइंग दैट, यू बेटर यूज जायंट. Giant, G-I-A-N-T, giant. तो तब आप huge के लिए giant use कर सकते हो. Next is knowledge. अब देखो, किसी ने आपको किसी particular topic पे knowledge दी. जैसे for example, in the morning I was talking to one of the guys from Go Colors team. ठीक है, so he is the RGM of Go Colors. I was having a word with him and with the help of the conversation, I got to know so many things about the industry. Okay, so what did I say at the end? I told, I got deep insights with the help of this conversation. Thank you for providing deep insights. So, knowledge ki jagah pe maine insight use kara. Thank you so much for providing deep insights on this topic. So, इस तरीके से यू कैन यूज डीप इनसाइट्स. ठीक है, या ओनली इनसाइट्स, पर वहां पे कोई ना कोई एडजेक्टिव पहले जरूर लगाना तो बेटर रहेगा. आगे प्रोसीड करते हैं. एंड द अदर वर्ड इज एनफ. एनफ, ई एन ओ यू जी एच, है ना. सो इंस्टेड ऑफ एनफ यू कैन यूज सफिशियंट. इट इज सफिशियंट. सो वहाँ पे सफिशियंट यूज़ कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, इनफ इंफॉर्मेशन की जगह पे, सो यू मे यूज़ इट. एंड द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज आइडिया. बहुत बार व्हेन वी आर राइटिंग एन IELTS essay, तो हम बात कर रहे होते हैं, आई एम गोइंग टू मैंशन सो मेनी आइडियाज, आई एम गोइंग टू मैंशन दीज टू आइडियाज इन दी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सब्सिक्वेंट, है ना, इंस्टेड ऑफ सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स आप वहाँ पे और भी वर्ड यूज कर सकते हो. इन द लूमिंग पैराग्राफ्स, इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स भी यूज कर सकते हो, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडिया की. इंस्टेड ऑफ आइडिया यू कैन यूज कॉन्सेप्ट और यू कैन यूज नोशन. सो आप वर्ड्स चेंज करके यू कैन यूज वेराइटी, 2-3 वर्ड्स यूज कर सकते हो. कभी भी सेम वर्ड, एक बोनस टिप है, बहुत जरूरी है, कभी भी सेम वर्ड ऐसे में रिपीट मत करो. अगर आपने इंट्रोडक्शन में आइडिया लिखा है तो इन बॉडी पैराग्राफ 1 राइट कॉन्सेप्ट, इन बॉडी पैराग्राफ 2 राइट नोशन. सो वर्ड को चेंज करके लिखो, सिनोनिम्स यूज करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग अ गुड
band score. Trust me, it helped me a lot, and I have scored band 8 in IELTS writing, so I can totally tell you. Or band 6.5 bhi aaye hue jab maine sabse pehli baar exam when I took it. So tab bhi, to main tab se leke 8 wali journey mein jo bhi cheeze maine face kari, jo bhi cheeze seekhe, wo main aapko yahan pe share kar rahi hu. But dekho, try to understand one thing when it comes to writing and speaking modules. So vocabulary to aap incorporate kar sakte ho. There is a vocabulary playlist available on my channel, जिसका लिंक मैं अबव शेयर कर दूंगी, वो आप जाके जरूर चेक करो. बट वेन इट कम्स टू द असेसमेंट ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स, देयर यू नीड समवन टू गाइड यू. वहां पे आपको वन ऑन वन असिस्टेंस चाहिए, और वन ऑन वन असिस्टेंस से क्या होगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी. आपको पता चलेगा कि कैसे आपने अपनी राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स इंप्रूव करने हैं. एंड ट्रस्ट मी, डे वन से आपको इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी. एंड आप जब डे वन पे अपना एसे शेयर करोगे, आपको पता चलेगा दीज आर दी मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग. डे टू पे आप शेयर करोगे, यू विल गेट टू नो दीज आर द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, एंड यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ योर वीक एरियाज, गेट रिड ऑफ योर मिस्टेक्स इन द एसे, एंड यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग ग्रेजुअली. एंड आप खुद देखना कि 15-20 डेज में ही आपका बैंड स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा फॉर श्योर. सो आप प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल, एंड इफ यू आर गेटिंग स्टक continuously in the writing or the speaking module, you may just contact us. आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा. वन ऑन वन क्लासेस लो, क्योंकि ग्रुप क्लासेस में राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड. आगे प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आर्स, एंड दैट वर्ड इज डिफिकल्ट. जब भी आप बोलना चाह रहे हो दिस सिचुएशन इज, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द society to handle, this is the difficult situation for the government to handle when the society doesn't want to change. So instead of difficult, you can say this is an arduous situation for the government to handle when the society doesn't want to change, when the society does not want to adapt. So is tarike se aap arduous use kar sakte ho. The next word here is a lot of. जब आप बोलना चाहते हो अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें, अ लॉट ऑफ, मैनी, आप बोलना चाह रहे हो मत यूज़ करो मैनी, मत यूज़ करो अ लॉट ऑफ, रादर यूज़ करो एम्पल, ठीक है, या फिर अबंडेंट, या फिर प्लेंटी ऑफ, इस तरीके से यूज़ करो सो डैट आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव हो, ठीक है. नाउ मैंने आपको बोला था कि बोनस वर्ड देने वाली हूँ मैं आपको. सो मैं यहाँ पे वन वर्ड नहीं, टू वर्ड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. द फर्स्ट वर्ड इज एक्सप्लेन. बहुत बार होता है ना, हमें बोलना होता है एक्सप्लेन. सो एक्सप्लेन की जगह यू कैन ऑल्सो यूज एक्सपाउंड, एक्सप्लीकेट. एक्सप्लीकेट भी यूज कर सकते हो और एक्सपाउंड भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेन. एंड द सेकेंड वर्ड इज रिजल्ट. रिजल्ट की जगह पे आप यूज कर सकते हो आउटकम. आउटकम कि क्या आउटकम है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, सो वहां पे यू कैन यूज दिस. आई होप ये जो वोकैब वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ 12 वर्ड शेयर करे इंक्लूडिंग द टू बोनस वर्ड्स, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर. स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द सेम वर्ड्स टूडे इटसेल्फ, एंड दैट टू इन बोथ द मॉड्यूल्स, इन द आईएलटीएस राइटिंग एज वेल एज द आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट. So I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye-bye, take care and Sat Sri Akal.